अमिताभ बच्चन, डैनी, नसीरुद्दीन साहब, विवेक मिश्रा सभी दरी के पड़े हुए, सभी दरी के पड़े हुए नैनीताल के। तो ये हमारे भैया हैं जो वोट चला रहे हैं हमारी नाव। तो भैया कहाँ से हो आप? यही नैनीताल से ही हो? नैनीताल से भैया। तो भैया यहाँ पे घूमने के लिए कौन कौन सी जगह सबसे बेस्ट रहेंगी यहाँ पे बता दीजिए जरा। ऊपर हिमालय दर्शन बोलते हैं वो देख के आइए। हिमालय दर्शन, झरना देखिए, बर्फ के पहाड़ देखिए, शिव गार्डन देखिए। अच्छा, और क्या है यहाँ पे? जू देखना तो इस पहाड़ी में, जू इस पहाड़ी में। और इस तरफ क्या मिलेगा देखने के लिए? हिमालय दर्शन इधर तो वहाँ की कोर्ट कचहरी वगैरह है। अगर अपने हिसाब से क्या है जो है वोट का? छोटा राउंड 160, बड़ा राउंड 210 रुपये। कितने टाइमिंग का बताइए? ये करीब 20-25 मिनट का होता है। 20-25 मिनट का 210 रुपये में राउंड है। हाँ, एक वोट का ग्रह है, एक वोट ग्रह है। तो भैया बहुत अच्छी तरीके से चला रहे, देख सकते हो एकदम चाकू चल रहा है। और व्यू देख सकते हो, व्यू शानदार है। तो भैया और क्या है नैनीताल में कुछ अलग, मतलब जो अलग सा हो कुछ नैनीताल में? इस पहाड़ी के बैक में जाइए ना, भीमताल, सात ताल, नकुचिया ताल। अच्छा, ये इससे भी बड़ी बड़ी तीन जिले हैं उधर। अच्छा, तीन जिले कहाँ पर हैं? इस पहाड़ी के बैक में, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे और भी भीमताल वगैरह यहाँ पे है मौजूद है। तो वहाँ पे हम गाइस जा सकते हैं, वहाँ पे बोटिंग होती होगी? वहाँ भी बोटिंग होती है, वहाँ भी बोटिंग होती है। तो और यहाँ पे क्या क्या वैसे डिस्क वगैरह है? यहाँ पे डिस्को वगैरह होते हैं, पब वगैरह नहीं होता है यहाँ पे। पब वगैरह नहीं, डिस्को वगैरह नहीं मिलेगा गाइस आपको। तो यहाँ पे अपना मतलब फन करने के लिए आइए, पहाड़ों का मजा लेने के लिए आइए बस। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है वैसे, टेम्परेचर यहाँ का अच्छा है, 19-20 है आज का। और यहाँ से राजभवन कितना दूर है? पहाड़ी में है, यहाँ से 2 किलोमीटर। वो ऊपर दिख रहा है, वो ही है क्या? हाँ, वो घर दिख रहा है, चोटी वाला। हाँ हाँ, ये स्कूल है। अच्छा, वही राजभवन है? वो नहीं है, इसके बैक में। अच्छा, इसके बैक में राजभवन है। कोई मिलिया पिक्चर देखना, ये स्कूल है। अच्छा, ये कोई मिलिया स्कूल की शूटिंग इसी स्कूल में हुई है। अच्छा, ये तो गया, जो मूवी है उसकी शूटिंग इसी स्कूल में। जो यहाँ पे चोटी दिख रही है आपको, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ऋतिक रोशन जी सीएम पढ़ाई करने आते थे, जो कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी वो इस कॉलेज में हुई थी। अमिताभ बच्चन ये। अच्छा, क्या अमिताभ बच्चन, डैनी, नसीरुद्दीन साहब, विवेक मिश्रा सभी दरी के पड़े हुए? सभी दरी के पड़े हुए नैनीताल के। इंडिया का सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर के कॉलेज है नैनीताल में। बताइए, बड़े बड़े कलाकार सब लगे यहीं से पढ़ के गए, तो बहुत अच्छी है। इंडिया का फर्स्ट नंबर का कॉलेज है देहरादून में। इंडिया का फर्स्ट नंबर का? अच्छा, दून मेडिकल कॉलेज। इंडिया का सेकंड नंबर इस पहाड़ी में है शेरपुर कॉलेज, जहाँ अमिताभ बच्चन पढ़ता है। अच्छा, जहाँ पे अमिताभ बच्चन जी पढ़ते थे वो यहाँ पढ़ते थे, इस पहाड़ी के पीछे की तरफ कॉलेज में किसी में? शेरपुर कॉलेज में पढ़ते थे अमिताभ बच्चन जी। बहुत बढ़िया। और इधर बता रहे हो आप, इधर क्या है? ओहो हो, बहुत ही शानदार मौसम हुआ है। और यहाँ पे कॉलेजों में एक से एक VIP सब लोग पड़े हुए। और ये देखिए मछलियाँ, देख लीजिए मछलियाँ हो रही हैं। मछली पाली जाती है, 2 साल में एक बार निकाली जाती है। अच्छा, 2 साल में एक बार निकालते हैं मछलियों को? हाँ। यहाँ पालते हैं इसमें भी? हाँ। फिर जाती है पंत नगर मेडिकल कॉलेज। अच्छा, पंत नगर मेडिकल कॉलेज में जाती है। इनके इंजेक्शन बनते हैं, खाद बनती है और कैप्सूल बनते हैं। अच्छा,